मनसे विभाग प्रमुख माउली थोरवे चुनावी जंग में हुए शामिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सिटी न्यूज में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनावी माहौल है इस बार? चुनावी माहौल इस तरफ जा रहा है कि चेंबूर की जनता को अभी चेंज चाहिए। हमारी जनता ने 10-10 साल के लिए MLA को चुन के दिया था, लेकिन जो हिसाब से काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। तो हमारी चेंबूर की जनता की ओर से अभी सब चेंज का माहौल की सब प्रतिक्रिया आ रही है। चेंबूर विधानसभा 173 से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के विभाग प्रमुख माउली थोरवे चुनावी नामांकन कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरते ही चेंबूर विधानसभा का चुनावी मुकाबला रंग लाता नजर आ रहा है। बात अगर चेंबूर विधानसभा की जाए तो 10 वर्षों के बाद एक नई किरण उभर कर सामने आई है। वो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के माउली थोरवे, जो कि एक प्रख्यात समाज सेवक के रूप में जाने जाते थे, आज वो इस विधानसभा से चुनावी दंगल में उतरे हैं। क्या कुछ कहना है, आइए हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सिटी न्यूज में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनावी माहौल है इस बार? चुनावी माहौल इस तरफ जा रहा है कि चेंबूर की जनता को अभी चेंज चाहिए। हमारी जनता ने 10-10 साल के लिए MLA को चुन के दिया था, लेकिन जो हिसाब से काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। तो हमारी चेंबूर की जनता की ओर से अभी सब चेंज का माहौल की सब प्रतिक्रिया आ रही है। क्या आन परी आपको चुनाव लड़ने की, क्या कहा, किस तरीके का प्रोवोकेशन मिला आपको कि आप चुनावी मैदान में उतरे? नहीं, हम लोग सालों साल लोगों के बीच में, लोगों के समस्या जानते हैं, लोगों के क्या क्या तकलीफ है वो जानते हैं। उसके ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना माननीय राज साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र सैनिक हर टाइम काम करते आए हैं। जैसा जो हिसाब से हमारे महिला रहेंगे, हमारे युवक है, बेरोजगार है, उनकी तकलीफ है, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए उनका भी एक अलग इश्यूज है। जो चेंबूर में जितना हमारे स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड चाहिए वो ग्राउंड नहीं है, अच्छा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो नहीं है, हमारे चेंबूर की हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब है। तो ये सारे चीज़, एजुकेशन के लड़के लोग के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके ऊपर काम करना, इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मैं ये चुनाव में आया हूँ। दूसरी बात, चेंबूर में अपना जो भी काम करना है आगे, वो राज साहब ठाकरे जी ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है वो ब्लूप्रिंट के तहत काम होगा। और लोगों के बीच में अभी राज ठाकरे जी को एक मौका देना चाहिए, ऐसी चर्चा सब चेंबूर में है, उसी हिसाब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इधर जीत होगी। एक और सवाल, अगर आपने कहा कि एक बार मौका मिलना चाहिए राज ठाकरे जी को, यानी स्वयं आपको इस बार चुन के आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि उत्तर भारतीयों का क्या प्रतिसाद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रति? कुछ नहीं, सब उत्तर भारतीय लोग सब हमारे साथ में है। ये राजनीति में ये सब बातें करके इशू खड़ा किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नाराज़ नहीं है। एकादा इंसिडेंट, एकादा कार्यकर्ता ने किया तो इसका मतलब सब पार्टी उसके खिलाफ थी, ऐसा नहीं है। उत्तर भारतीय कार्यक्रम में राज साहब खुद गए हैं, और राज साहब ने जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे इसके लिए सब उत्तर भारतीय खुश है। ऐसा कोई नाराज़ नहीं है कि हमको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट करेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। सब मिलके लोगों को अभी एक तो सुरक्षा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और महाराष्ट्र के अंदर जिस हिसाब की राजनीति चल रही है वो राजनीति बंद होना चाहिए। आज जो आमदार को हमने चुन के दिया वो रोज़ एक पार्टी चेंज करके जा रहा है, मतलब जो मतदारों ने मतदान उनको दिया है उनको मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो आज लोगों के प्रश्न के लिए कोई भी पार्टी के पास टाइम नहीं, इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर किच्चड़ फेंकना यही चालू है। अभी लोग कंटल गए, इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब की तरफ, ये महाराष्ट्र की जनता इस टाइम की सत्ता देगी। नहीं, चेंबूर विधानसभा की बात की जाए तो 10 वर्षों से एक ही विधायक कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्यशैली कैसे रहे? देखो, अभी उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है वो तो आने वाले 20 तारीख के जो वोटिंग होएगा उससे मालूम पड़ेगा। मैं किसी के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, मेरे को क्या करना है आगे जाके मैं उसका ही बात करूँगा। क्योंकि आज हमारे बीच में चेंबूर में सबसे बड़ा
लीडर जिनको बोला जाता था वो हाशिव आडवाणी जी थे। उन्होंने वो टाइम पे इतनी बड़ी शिक्षण व्यवस्था इधर खड़ी कर दी, उसको अपन एक एक कदम भी आगे लेके नहीं जा पा रहे। तो जिस हिसाब से आडवाणी जी का, हाशिव आडवाणी जी का नेतृत्व था चेंबूर में, उसके बाद कोई लीडरशिप चेंबूर के लिए मिली नहीं कि जो लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों की भावना समझना चाहिए, लोगों की तकलीफें समझना चाहिए। हमारे आज महिला जो इतना महिला अत्याचार की घटना हो रही है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी जो लड़की है, हमारी जो माता भगिनी है, वो डर के माहौल में अपना रोज का प्रवास मतलब आना जाना कर रहे हैं, तो उनको सुरक्षित नहीं लग रहा है। तो ये सब क्लाइमेट अच्छी तरह से सुरक्षित करने के लिए माननीय राज साहेब ठाकरे जैसा लीडर चाहिए जिनके पास विजन है, जिन्होंने 10-12 साल पहले महाराष्ट्र को एक ब्लूप्रिंट दिया है कि महाराष्ट्र किस तरफ लेके जाने का है। तो ये सब तो क्या अभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लोग अच्छे से सोच रहे, अच्छे से देख रहे कौन काम कर रहे कौन नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में जब भी फ्लड आया, जब भी कोविड का सिचुएशन था, उस टाइम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महाराष्ट्र सैनिक ही रोड पे था, लोगों के बीच में लोगों के लिए काम कर रहा था। इसके लिए लोग वो भूलेंगे नहीं। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? कुछ नहीं, चेंबूर का डेवलपमेंट, हमारी महिलाओं की सुरक्षा, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ योजनाएं है। हमारे इधर जो भी कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे RCF है, टाटा पावर है, HPCL है, BPCL है, ONGC है, ये कंपनी में जो स्थानिक लोग को रोजगार नहीं मिल रहे, हमारे युवा मतलब डिग्री है, ग्रेजुएशन ले किया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो आगे इनको स्थानिक भूमिपुत्र इनको इधर ही जॉब मिलना चाहिए, इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम करेंगी। जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, जैसे अपना रोड ट्रैफिक की समस्या है, गार्डन है, उसके बाद और कई चीज़ें हैं जो स्लम, चेंबूर में 50% से ज़्यादा स्लम एरिया है, तो स्लम एरिया में जो जो तकलीफें हैं लोगों को रोज उसका सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम करेगी। नहीं, इससे पहले भी देखा गया है, कई संघर्ष आपने किया है कि स्थानीय लोगों को कंपनियों में जगह मिलनी चाहिए, तो कहाँ तक रहा, रिजल्ट क्या तक रहा? देखो, हर टाइम आंदोलन करके ही काम नहीं होता है, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ सत्ता भी होना चाहिए, तुम्हारे पास पावर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी लोगों को रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक बार राज ठाकरे साहब को चांस दीजिए, बाकी उसके बाद किसी को भी आंदोलन या मोर्चा निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास महाराष्ट्र में क्या करना है, चेंबूर के लिए क्या करना है, अलग अलग एरिया में क्या क्या इश्यू है, उसके ऊपर सब पहले ही काम किया है, तो वो अपना हमारे पास उसका सब ब्लूप्रिंट तैयार है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आपने देखा ये माउली थोड़े थे, लगातार हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की ये का एक मुद्दा रहा है कि मराठी मानुष को, एक स्थानीय रहवासियों को जगह मिलनी चाहिए तमाम कंपनियों में। इससे पहले भी कई संघर्ष किया है माउली थोरवे ने, आज हमारे बीच मौजूद रहे माउली थोरे, जिनका यह कहना है कि स्थानीय लोगों को जगह मिले, यह हमारा संघर्ष शुरू से रहा है और आज भी चुनाव जीतने के बाद भी मेरा यह संघर्ष जारी रहेगा। मैं